नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। टीम इंडिया ने श्रीलंका के साथ खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर ली। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए सीरीज जीती। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम 215 रन पर ऑल आउट हो गई। 216 रनों के लक्ष्य का पीछे करने उतरी टीम इंडिया ने इसे मात्र 32.1 ओवर में 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। कुलदीप यादव को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं शिखर धवन को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। श्रीलंका की ओर से ओपनर उपुल थरंगा ने सबसे अधिक 95 रनों की पारी खेली और सदीरा ने 42 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा एक भी लंकाई बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। टीम इंडिया की ओर से स्पिनरों की नई जोड़ी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने 3-3 विकेट लिए। इसके अलावा पांड्या ने 2 और जसप्रीत और भुवनेश्वर ने 1-1 विकेट झटके। इस मैच में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन टीम को अच्छी शुरुआत दिला पाने में सफल नहीं रहे। श्रीलंका के बाएं हाथ के स्पिनर अकीला धनंजय ने 7 रन पर खेल रहे कप्तान रोहित को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेजा। इसके बाद दूसरे मैच में 88 रन की पारी खेलने वाले युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने धवन के साथ मिलकर टीम इंडिया को मजबूती प्रदान की। टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचाकर दूसरा झटका अय्यर के तौर पर लगा। अय्यर ने 63 गेंदों पर 8 चौके और एक छक्के की मदद से 65 रन बनाए। मैच में शिखर धवन ने नाबाद 100 रन की पारी खेली और साथ ही अपने वनडे करियर के 4000 रन पूरे किए। धवन ने 85 गेंदों का सामना किया और 13 चौके और 2 छक्के लगाए। टीम इंडिया ने इस मैच को 32.1 ओवर में ही जीत लिया। टीम इंडिया की ये 8वीं लगातार सीरीज जीत है। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए FM न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।